हेलो बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक कर रहे हो? सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, सब कुछ। देखो, हम लोग आज फिर बात करते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। हमारी वार्ता का लाभ का विषय है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, मैंने दो फाइंड आउट कर दिया था ताकि ये आपको डिटेल बताने के लिए अच्छा रहे, फिर आपके सामने और फाइंड आउट करेंगे। हमें सबसे पहले ये देखना होता है जीरो का मतलब होता है क्या, कि जो गिवन एक्सपेंशन एक्सप्रेशन है उसमें एक्स की क्या वैल्यू डालें कि वो उसको सेटिस्फाई कर दे। अगर इक्वल टू जीरो है तो LHS RHS इक्वल हो जाए, ये कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी एक्स की वैल्यू। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं जीरो निकालना है, लाल मार दे, ठोक दे जीरो। अरे ना बाबा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को जो सेटिस्फाई करे। अब एक्सरसाइज 2.2 के पहला क्वेश्चन, हमें एक इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसमें तीन पॉइंट दे रखा है। पहला दे रखा है कि x इक्वल टू जीरो डाल के इसका वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना, जहां जहां x है इक्वेशन में पॉलिनोमियल में वहां डाल दो जीरो, यानी 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहां पर, प्लस 3। ये जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही होगा, जीरो माइनस जीरो प्लस 3, ये दोनों जीरो कैंसिल, 3 का हमें फिर से आंसर मिल गया, यानी कि एक्स इक्वल टू 3 सेटिस्फाई हो गया। जब एक्स जीरो होगा तो इस इक्वेशन का वैल्यू 3 होगा। दूसरा दे रखा है माइनस 1, तो माइनस 1 एक्स के जगह पुटअप करेंगे माइनस 1, 5 इंटू माइनस 1 प्लस, माइनस है तो 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 तो प्लस हो गया, और 1 प्लस हो गया, और ये फिर से 4 है माइनस, इसलिए 1 इंटू माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 4, माइनस 4 माइनस 5 मिलके क्या होगा माइनस 9। आपको मालूम है एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 9 हो गया और दोनों निगेटिव है इसलिए निगेटिव। अब एक प्लस एक माइनस, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करें, ग्रेटर का वैल्यू डालें, माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6 इज योर आंसर। थर्ड पॉइंट दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, देन आवर इक्वेशन यानी कि वैल्यू जो होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा बेटा, 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 5 टू जा 10 माइनस 2 टू जा 4, 4 4 जा 16 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, अब प्लस वाले को इकट्ठा ले आओ, 10 प्लस 3 माइनस 16, 13 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 3 इज योर आंसर। ये वैल्यू आया फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी एक्स गिवेन है, और हर एक पी एक्स के लिए एक बार पी इज इक्वल टू 0, एक बार पी इज इक्वल टू 1, और एक बार पी इज इक्वल टू 2 डालकर उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है एक बार पी 0, पी 1 एंड पी 2 किसका, फर्स्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो हमारा पी 0 क्या होगा, जब वाई इज इक्वल टू 0 लिया हमने तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0, 0 तो कुछ नहीं, तो यानी कि 1 इज योर आंसर। पी 1 क्या होगा बेटा, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू
वन माइनस वन प्लस वन, ये वन कैंसिल, वन अगेन आंसर। पी टू क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, दिस इज इक्वल टू फोर माइनस टू प्लस वन। अब ये फोर प्लस वन इट बिकम्स फाइव, माइनस टू दैट मीन्स थ्री इज योर आंसर। सेकेंड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है पी टी इज इक्वल टू टू प्लस टी, पी टी इज इक्वल टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू, टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यू। अब देखो पी जीरो निकालेंगे, यानी कि जहां टी है वहां जीरो डालते चले जाएंगे पॉलिनोमियल में। डालो भाई जीरो, टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, दिस इज इक्वल टू टू प्लस जीरो, क्योंकि सब जीरो माइनस जीरो, ये तो कोई मतलब ही नहीं। टू इज योर आंसर, जीरो का स्क्वायर, जीरो का क्यूब, जीरो का प्लस, जीरो माइनस, कोई फर्क पड़ता ही नहीं, इसलिए टू इज योर आंसर। नाउ पी वन, टू प्लस वन प्लस टू, वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, दिस इज इक्वल टू टू प्लस वन प्लस टू वन जा टू माइनस वन वन जा वन, एक माइनस ये प्लस कैंसल, ये क्या बच गया, दिस इज इक्वल टू फोर इज योर आंसर। नाउ पी टू भी निकालना है, तो टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, दिस इज इक्वल टू 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 फोर प्लस टू इंटू टू टू जब फोर माइनस टू का क्यूब एट। अब ये क्या हुआ, फोर टू जा एट, दैट मीन्स फोर प्लस फोर टू जा एट माइनस एट, एट एट कैंसिल, योर फोर इज आंसर, हो गया। अब इसके दो पार्ट और हैं, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इस साइड इस क्वेश्चन को साफ कर दें, ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर टू पार्ट नंबर थ्री। वी हैव गिवेन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ओके, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमें गिवेन है। तो पहले पी जीरो निकालेंगे बेटा, दैट मीन्स जीरो का क्यूब इट इज थ्री जीरो, पी वन दैट इज वन का क्यूब इट बिकम्स वन, पी टू दैट मीन्स टू का क्यूब दैट इज एट, और इसके फोर्थ पार्ट भी है और वो दे रखा है हमें पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक बार दे रखा है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये तो हमें पी जीरो निकालना है बेटा, पुट कर दें जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन, दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करें इट बिकम्स माइनस वन इंटू वन, दैट इज द माइनस वन इज योर आंसर। पी वन दैट मीन्स वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन, और दिस इज इक्वल टू जीरो इंटू टू, दैट मीन्स जीरो इज आंसर। जब हम पी टू निकालेंगे तो इसके लिए भी यही पी के जगह डालेंगे, टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, दिस इज इक्वल टू वन इंटू थ्री, दैट मीन्स थ्री इज योर आंसर। ये बन के तैयार, सॉल्व हो गया। हमें ये जीरो हुआ, ये वैल्यू हुआ, जब हमने एक्स के बदले जीरो वन टू ये पुटअप करते गए, आंसर फाइंड आउट होता गया। ये दोनों क्वेश्चन जब हमें जीरो गिवन है, जब हमें जीरो दिया होगा, उस केस में आप इस दोनों को वैल्यू निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे, हिंदी वाले मान ज्ञात करो, तो ये मान ज्ञात किया हमने, ठीक है। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन का मान ज्ञात करेंगे और चेक करेंगे इसका ये मान है या नहीं, अगर मान नहीं है तो जाहिर है अपमान हो जाएगा, तो हमें ये चेक करना है
जो हम अगले एपिसोड में अगले वीडियो में करते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ताकि हर एक का हम लोग एक एक देखते चले जाएं, सॉल्व करते चले जाएं, आपको हर एक वीडियो मिलता जाए और आप ऐसे ही बात करते करते मेरे साथ अपने कोर्स को भी आप समाप्त करते चले जाएं। अच्छा लग रहा है ना बात करना गणित की भाषा में, मैथमेटिकल लैंग्वेज में? तो चलो अगले वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं और नए टॉपिक, नया चीज लेकर आपसे फिर बात करते हैं।